हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ सिंपल सी टेक्निक्स जो आप घर पर ही अप्लाई करके अपने स्विचेस को क्लीन कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये स्विच बहुत ही गंदा हो रखा है और ये मेरे किचन का स्विच है। जैसे कि आप जानते हैं, किचन का स्विच बहुत जल्दी गंदा हो जाता है क्योंकि वहाँ हम लोग किचन में ऑयल का यूज़ करते हैं, खाना बनाते हैं, तो जल्दी गंदगी होती है। वैसे मैं वीकली क्लीन करती रहती हूँ पर फिर भी गंदा जल्दी हो जाता है तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप कैसे गंदे से गंदे स्विच को भी क्लीन कर सकते हैं। जनरली गाइस, हम लोग क्या करते हैं स्विचेस को क्लीन करने, इसको क्लीन करने के लिए या तो हम लोग सर्फ का पानी यूज करते हैं या फिर हम लोग कॉलिन यूज करते हैं या और भी मार्केट में बहुत तरह के केमिकल्स अवेलेबल हैं जो हम लोग यूज करते हैं अक्सर क्लीनिंग के लिए। तो जो कॉलिन है वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कॉलिन ख़राब है या आप उसको यूज़ ना करें, क्योंकि उससे हमारे ग्लासेस होते हैं और जो और सामान घर का होता है, टीवी हो गया या और जो हमारे सामान घर में होते हैं, हम उसको अच्छे से क्लीन कर देता है। पर मैं इसलिए उसके लिए मना कर रही हूँ कॉलिन या अदर केमिकल्स को या सर्फ के पानी को, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है। इसमें स्विचेस में अगर आपका पानी चला जाता है क्लीन करते हुए तो आपको करंट लग सकता है और करंट काफ़ी तेज भी लग सकता है, इसलिए आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो गाइज, मैं इसके लिए एक बहुत सिंपल सी टेक्निक लेकर आई हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं और इससे भी गंदे से गंदा स्विच हो, जिसमें बहुत टाइम से गंदगी जमी हो, जो क्लीन हो ही नहीं पा रहा हो। जैसे कोई नए घर में जाता है, रेंटल हाउस होते हैं, कई बार क्या होता है, हम लोग जो लोग रेंट पे रहते हैं वो नए नए घर चेंज करते हैं तो कई बार क्लीनिंग नहीं हो पाती है प्रॉपर। जो पहले घर छोड़ के जाते हैं वो उतने अच्छे से नहीं रखते हैं, बहुत ही गंदा हुआ होता है, तो वहाँ पे स्विचेस के बाद बहुत डर्टी मिलते हैं तो उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ही मैं आपके लिए टेक्निक लेकर आई हूँ जो आप घर पर ही यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, इस टेक्निक में मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ कोलगेट। तो मैं इस टेक्निक में यूज़ करूँगी कोलगेट। तो आप कोलगेट की मदद से स्विचेस को क्लीन कर सकते हैं। कितना ही गंदा स्विच हो एकदम क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल चमकदार। क्लीन होने के साथ साथ अगर आप कोलगेट से क्लीन करते हैं तो आपका स्विच चमक भी जाएगा। और दूसरा मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्रश। तो गाइज, ये बहुत ही पुराना गंदा ब्रश है, इसको क्लीनिंग के लिए ही मैं यूज़ करती हूँ। तो आप कोई भी वेस्ट ब्रश जो आपके घर पे पड़ा हो, ओल्ड हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, मैं बताती हूँ आप इसको कैसे यूज़ करना है। तो गाइज, पहले हम लोग कोलगेट लेंगे और कोलगेट को इस तरह से इस पे अप्लाई कर देंगे। हम पूरे स्विच पे इसको अच्छे से आपको करंट आने का कोई खतरा नहीं है। आप आराम से ब्रश पकड़ के प्रॉपर तरीके से आप पूरे एरिया पे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं पेस्ट को। आपके स्विचेस चमक उठेंगे, इवन क्लीन होने के साथ साथ चमक भी आ जाएगी, इनमें बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। चाहे तो डायरेक्ट स्विच पे पेस्ट लगा सकते हैं या फिर आप ब्रश के ऊपर लगाकर फिर अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं डायरेक्ट ही लगा रही हूँ। सेम ही बात है, जैसे आपको कंफर्ट लगे आप लोग कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरे स्विच पर कोलगेट अब लग चुका है। आप देख लीजिए, अच्छी तरह से लगा देंगे ताकि कोई भी जगह ना छूटे, क्योंकि जहाँ पे रह जाएगा वहीं पे अलग दिखाई देगा अदरवाइज। तो आप प्रॉपर तरीके से इसको लगा दें इस तरह से। तो गाइस देखिए, अब हम पूरे उस पर लगा चुके हैं, अब इसको छोड़ देंगे। अब 15 टू 20 मिनट्स के लिए हम इसको स्विच को ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद हम इसको क्लीन करेंगे। तो आप देखेंगे बिल्कुल साफ हो जाएगा जितना भी गंदगी थी इस पर। मेरे स्विच गंदे थे पर बहुत ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि ये किचन का है तो थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है। वैसे मैं वीकली करती रहती हूँ क्लीनिंग, पर अभी थोड़ा सा और गंदा हो गया है। इससे भी गंदे जो हों वो भी क्लीन हो जाते हैं। तो गाइज, अब हम मिलते हैं, देखते हैं 15 से 20 मिनट के बाद हम फिर चेक करेंगे और क्लीन करेंगे। तो गाइज हमें हो चुके हैं 15 मिनट्स। तो चलिए देखते हैं। अब आप इस तरह से पूरे
हैं इसको अच्छे से एक बार ब्रश से रगड़ देंगे। लास्ट में आप उसको इस तरह से अच्छे से रब कर देंगे 15 मिनट्स के बाद, और अगर थोड़ा फिर इसको क्लीन साफ कपड़े से क्लीन कर देंगे, और अगर आपको लगता है थोड़े बहुत और रह गए तो उसको थोड़ी देर और रहने देंगे। ज़्यादा गंदगी होगी तो थोड़ा टाइम और लग सकता है, 15 की जगह 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं, तो आप उसको और छोड़ सकते हैं। फिर क्लीन कपड़े से एक साफ कपड़े से इसको पोंछ देंगे। आप देख सकते हैं आपका स्विच बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, हो गया है देखिए। तो गाइस ये मैंने साफ कपड़े से पोंछ दिया है, अब आप देख सकते हैं स्विचेस बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। ये जो नीचे लगा हुआ है ये पुताई है नीचे, ये पुताई इधर थोड़ा स्विचेस पे आ रखी है, वरना स्विच बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं आप देख सकते हैं, और इनमें शाइन भी आ गई है, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। तो गाइस आप इस तरह से स्विचेस, गंदे स्विचेस को क्लीन कर सकते हैं कोलगेट की हेल्प से। तो गाइस थैंक यू सो मच, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।